कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया में लगातार जारी है। ऐसे में केंद्र और सभी राज्य सरकारें अपने अपने प्रयासों से लोगों को कोरोना वायरस से बचने के लिए जागरूक कर रही हैं। वहीं हरिद्वार में एक अनोखे ही रूप में जागरूकता अभियान देखने को मिला, जब खुद यमराज हरिद्वार की सड़कों पर उतर आए और शहरवासियों को घरों से बाहर ना निकलने को जागरूक करते नजर आए। हरिद्वार के खड़खड़ी चौकी इंचार्ज के प्रयास से एक क्षेत्र में लोगों को लॉकडाउन के प्रति गंभीर और लोगों को वायरस से बचाव के लिए एक अनूठा प्रयास किया गया। जहां खड़खड़ी में कोरोना वायरस के कहर को समझाने के लिए गलियों में यमराज खुद उतरे और गली गली घूमकर लोगों को कोरोना वायरस से बचने के लिए घरों में रहने की सलाह देते दिखाई दिए। हिंदू धर्म शास्त्र में ये जो रूप है यमराज का, ये मृत्यु के देवता है और ये मृत्यु के देवता जब व्यक्तियों की मृत्यु आती है तो उसको उसके प्राण हरकर जो भी उसका लेखा जोखा होता है चित्रगुप्त के माध्यम से उसको स्वर्ग नरक की प्राप्ति होती है। लेकिन इस समय जो ये कोरोना है, ये महामारी की फैली हुई है और इस महामारी में कोई भी नहीं बच पाएगा अगर यदि सभी ने एक दूसरे की हेल्प नहीं करी, एक दूसरे के लिए अगर लोगों ने साथ नहीं दिया तो ये महामारी केवल हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में छाई हुई है और इससे कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं रहेगा। और हमारे भारत में बहुत कम संसाधन है स्वास्थ्य के प्रति, जो कि अगर हमारे भारत में ये चीज़ फैली तो मुझे लगता है और आप सभी को भी लगता है कि यह हम लोग संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे बड़ी बात है जो सरकार के नियम हैं, प्रशासन के नियम हैं, उन पर यदि हमने पालन नहीं किया तो हम लोग बहुत बड़ी समस्या से ग्रस्त हो जाएंगे। तो मेरे को लगा कि हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र में घूमकर मैन बॉल डंडे की सहायता से और 151 की कार्रवाई करके और तरीके से समझाने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी जनता जो है अवेयर नहीं हो रही है। तो इससे लोग मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि एक तरीके से उनका एंटरटेनमेंट भी हो रहा है देख के और उसको मैसेज भी बिल्कुल स्पष्ट जा रहा है कि यम रूपी जो राक्षस यमराज होते हैं उसमें जो वायरस है कोरोना वायरस उनका यमदूत है। इस तरीके से मैसेज दे रहे हैं ताकि लोग जो है अवेयर रहें, घर से बाहर ना निकले, घर में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। लॉकडाउन का इस तरीके से पालन कराने की मेरे द्वारा प्रयास किया जा रहा है, इसलिए मैंने ये आयोजन अपने क्षेत्र में किया गया। इसका इम्पैक्ट कल भी हमने इसको किया था तो थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट है इसका क्षेत्र में। लोग समझ रहे हैं इस बात को कि अगर हम बाहर निकलेंगे तो इससे जो है कोरोना वायरस हमें अपने आगोश में ले सकता है और इससे हमारा पूरा परिवार और क्षेत्र और समाज उससे क्षतिग्रस्त हो सकता है और उससे बहुत बड़ी क्षति हो सकती है। वहीं खड़खड़ी इंचार्ज विजय प्रकाश का कहना है कि लोग ऐसे प्रयोगों से जल्दी ही सीख लेते हैं। पहले भी इस तरह के प्रयोग उनके द्वारा हेलमेट को लेकर किए गए जो सफल भी रहे। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरिद्वार से सतीश गुजराल की रिपोर्ट।